सो यहाँ पे बट रहा है पानी निर्जल एकादशी का। ये तो आधी है ना, आधी से कितनी कम है देख। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है 21st of June और आज बहुत सी चीजें हैं। योगा डे भी है आज, निर्जला एकादशी भी है और वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। तो आप सभी को शुभकामनाएं सभी चीजों की। और योगा डे के लिए तो मैं लेट हो गया हूँ, उठने में लेट हो गया थोड़ा, 7:30 के ऊपर हो गया थोड़ा टाइम, तो वहाँ जाने का तो कैंसिल हो गया। बाकी आज का प्रोग्राम बाजार में पूरा देखेंगे, पानी बढ़ते हैं, आज के दिन निर्जला एकादशी है, भंडारा होता होएगा कि नहीं वो पता नहीं है पक्का, क्योंकि कोविड चल रहा है, पर होगा दिखाऊंगा मैं आपको सब चीज़ें। और वैसे बीच में जाना है मैंने बाजार, थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा क्या क्या चल रहा है। तो चलिए मैं नहा धो के रेडी होते हैं क्योंकि मैं भी लेट हो रहा हूँ। उठते ही ऊपर आए और यहाँ कोयल की आवाज चल रही है कू कू, मैंने कि सुना हूँ आपको भी, बहुत मस्त मजा आता है, तसल्ली होती है दिल को सुबह सुबह उठते ही कोयल की आवाज। अब नहा लेता हूँ फटाफट, में आ गया ऊपर, पापा बना रहे चाय, अनिल नहा के हो चुका हूँ रेडी और आज है योगा दिवस। तो योगा वाली टी शर्ट पहन लिया मैंने, जो 2 साल पहले गया था उस टाइम की थी, इस बार तो 50 लोग ही थे वैसे भी, तो हमारा तो कैंसिल लगा लो क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी थे बड़े बड़े उन्हीं के लिए था मेन फंक्शन, तो बंदे जो नॉर्मल बंदे थे उनके लिए नहीं था खास। तो आज बना दिए हमने पनीर के पकोड़े प्लस चाय बन रही है। सो भी टाइम हो रहा है 10:47 और हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केट साइड, आज है निर्जला एकादशी, देख के आते हैं कैसा क्या प्रोग्राम चल रहा है, घूमते हैं थोड़ा। चलो तो हमारा पहला स्टॉप मोनी भाई यहाँ पे पानी तैयार करते हुए, वर्क इन प्रोग्रेस में है, अभी मिलाई हो रही है, सब कुछ मिलाया जा रहा है, धीरे धीरे बनेगा, अभी तैयार होगा थोड़ी देर में, हम आगे आते हैं, इतना काम है थोड़ा। पीछे मोनी भाई इनका पानी की तैयारी चल रही है, इतने हम आगे घूमाते थोड़ा मार्केट साइड में। सो यहाँ पे बट रहा है पानी निर्जला एकादशी का, ये देख सकते हैं आप, क्राउड भी अच्छा है, हनुमान मंदिर अपना और यहाँ शादी भी है साथ में, दोनों काम एक साथ। सो यहाँ पे बट रहा चरचरा पानी, यहाँ पे हमने चरचरा पानी पिया थोड़ा सा, मीठा भी है दोनों है। बाकी आगे चलते हैं घूमते फिरते, अब बेरी गेट तक आते हैं। हुआ कुछ ऐसा, सोनू भाई सोचा मीठा पानी होगा, गिलास उठा के दी, उसने चरचरा डाल दिया जलजीरे वाला, अब मिर्च लग गई सोनू भाई को, इसे कहते पोपट हो गया मेरे साथ चलने। सेकंड स्टॉप है अपना, हमारा डायमंड चौक से आ गई, यहाँ पे मिला हमको रूह अफ़ज़ा, सोनू भाई को तो तसल्ली हो गया ना। सबसे बढ़िया डिस्पोजल वाला सिस्टम कोरोना काल में ना, यहाँ पे सही था डिस्पोजल सिस्टम था, वहाँ तो स्टील की गिलास थी, पर ठीक है जो है वो भी धोके ही रख रहे थे, पर यहाँ डिस्पोजल में सही है, एक बार यूज करा और थ्रो करा। बाकी दूध भर के रखा था, बढ़िया रूह अफ़ज़ा में, टेस्ट अच्छा था। तीसरा स्टॉप है पर हम आप पियेंगे नहीं, हमने पी लिया है बहुत, तो हमने खाली दिखाए थे, ये अपना है थाने के सामने थाना। आज कम से कम आपको यहाँ पे 50 नहीं 60 नहीं बहुत मिलेंगे जगह जगह पानी बटने वाले, यहाँ पे तो पास पास में ही लगा लो 10-20 मीटर पे ही दूसरी जगह की। और भाई तो यहाँ दूसरी जगह पे ही बट रहा है पीछे, हाँ इधर से ही चलना हमने भी, तो मतलब लगा लो यहाँ पे, तो पीछे अभी दिखाया था मैंने आपको, यहाँ बन रहा है अभी, यहाँ तैयार हो रहा है। तो निर्जला एकादशी के दिन देख सकते हैं आप, मतलब सेवा भाव बहुत है लोगों के अंदर, पानी बांट रहे हैं सभी, रूह जगह पानी और सरसरा पानी, सारे सेवा भाव में लगे हुए हैं। हम भी चलेंगे अभी मोनी इनके वहाँ पे करेंगे काम, वहाँ पे बन रहा है, इतना तैयार हो जाएगा फिर बांटेंगे। पीछे देख सकते हैं आप, भाई बहुत तलो डोली भर के ले जा रहा है अपनी। बाकी आज के टाइम में भीड़ भी कमी रहती है तो बंदे मना भी नहीं करते यार, ले जाओ घर के लिए भी सही है, पीना तो है ही, वो फेंकेगा तो कोई नहीं सीधी बात, तो इसलिए बढ़िया है। आ गए यहाँ पे, काम स्टार्ट हो चुका है, हाँ भाई यहाँ पे अभी बन गया, तैयार हो गया, बांटना शुरू करते हैं, गिलास है अपने हाथ में, बैठे अभी ज़्यादा बंदे हैं नहीं, बाकी अभी राशन भी बट रहा है तो इस चक्कर में सही है, जो राशन लेने आएंगे वो पानी पी जाएंगे साथ साथ। तो हम भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार, गर्मी तो नहीं है, सही बात है, और ज्यादा ठंडा ही बेकार ही है भाई गर्मी में। सो अभी जा रहे हैं बर्फ लेने, ठंडा थोड़ा कम हो गया, पंकज और पठानी लग रखे हैं बांटने पे, तो चलते हैं। सो यहाँ पे आधी सिल्ली बर्फ लेने आ रखे हैं, पीछे बर्फ की लगा रखी है, लेके चलते हैं, कट्टा भी लेके आ रखे हैं ताकि ढंग से आ जाए, सेट हो जाए, आधी है ये पूरी कैसी होगी, कम है आधी से थोड़ी, डेढ़ सौ की ले ले पूरी, ले ले पूरी, ले ले पूरी, ये कर दो आधी तो कम ही दिख रही है, पूरी डाल दो ना, ये तो आधी है ना, आधी से कितनी कम है देख।
स्कूटी घेर लिया बर्फ ने आगे से, अब चलते हैं। आज बर्फ की डिमांड ज्यादा है, हर जगह पानी पानी। आज यहाँ पे वैक्सीन लगवा के जा रहे भाई। पिला पठानी, पिला भाई ने पिला है। ये अपनी बर्फ टूट गई। तू कुछ भी बोल दे भाई। पानी आले, पानी पिया, पानी पिया। तो अपना ड्रम है जो आधा हो चुका है, आधा और है, इसको फटाफट देखते हैं कितनी देर में निमटेगा। पठानी कितना टाइम लगेगा, कितनी देर में निमट सकता है टाइमिंग? मेरी चलने की तैयारी होगी, वो तुम छोड़ के नहीं। आठवां गिलास पठानी, आठवां गिलास है फिलहाल। तो पहला है, आठवें का तो बेरा पहला है। यो कट्टा भर दिया तूने? पूरा कट्टा भर दिया तूने? देख ले, पेट दिख रहा है तेरा। आठवां गिलास है, मैचिंग मैचिंग है भाई। टी शर्ट भी, रोबजा भी, आज तो हर चीज मैचिंग की रखा है। अच्छा, हमको पता ही नहीं था। अच्छा, यहाँ पीछे ही बट रहा है पानी, गली गली में पानी बट रहा है। और हम थोड़ा आए हैं, बैरिकेड जा रहे हैं, एक जगह वहाँ नींबू पानी बट रहा है, हमने कहीं चेक करके आते हैं स्कूटी में। हाय दीपक, तो चलते हैं हम बैरिकेड। सो ये पता नहीं कौन सा फ्लेवर है, पर बढ़िया है जो भी है। तो चटपटा फाइनली आ गए वहां से। लेमन जूस, नींबू पानी तो मिला नहीं, दूसरा फ्लेवर था वो बढ़िया था। यहाँ पे भी थोड़ा रह गया अपना, भी भीड़ खत्म, बिल्कुल जीरो। सो कुल मिला के बस पहुँचने वाला खत्म, कगार खत्म होने के कगार पे दो बज गए, एक घंटा और चले जाए ना, जिस हिसाब से भीड़ है अभी। सो यहाँ पे देख सकते हैं मधुमक्खी भी आ गई है साथ में मीठे पे, और बस अपना खत्म ही हो गया लगभग सामान। अब बस खत्म भाई, ये हो। यहाँ पे पानी बढ़ते ही ये मक्खियाँ आ रही हैं। मक्खियाँ क्या हैं, मधुमक्खी मतलब, उड़ती जा रही हैं। देखो बहुत सारी हो गई हैं। तो यहाँ सफाई करते हैं अच्छे सरफ से, फिर चलते हैं घर को। फाइनली पानी का काम हो चुका है सारा खत्म, अब ड्रम पहुँचा रहे जिसके घर जाएगा, और चलते हैं फिर घर को। है भाई मोनी, ठीक है। सो फाइनली पानी बंटवा के आ गए हैं घर, और अब आके थोड़ा रेस्ट करते हैं, थक गए, गर्मी भी हो रही है बाहर बहुत। और एक चीज़ थी मतलब कि ना, पानी सबका बहुत ज़्यादा ही बचा हुआ था लगा लो, क्योंकि बंदे थोड़ा बहुत तो परहेज कर ही रहे थे कोरोना के चक्कर। वरना पहले ऐसे होता था, भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी, पर पानी बढ़ता था पूरा और ख़त्म हो जाता था। पर इस बार मैंने देखे कईयों के ड्रम भरे के भरे थे अभी 1:30-2 बजे तक भी, बताओ। सो अभी टाइम हो रहा है रात के 8, और अभी बस जोत बत्ती करी है मैंने, और मैंने कहा व्लॉग थोड़ा और बनाता हूँ आगे, क्योंकि पूरे दिन भर थक गया था काम। आपको पता है आज 8 बजे 10 बजे का निकला हुआ था मैं, और 3:15 बजे करीब घर में पहुँचा था, मतलब वहीं था मार्केट में पानी बांटने में, तो उस चक्कर में थक गया था। और एक भाई का कमेंट आया था कि शाउट आउट देने के लिए, भाई का नाम है युग, तो थैंक्स भाई, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, वीडियो देखते रहें, ठीक है। और एक भाई का चैलेंज भी आ चुका है, जो मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो डाली थी, तो उसमें कमेंट आ रखा है कि भाई चैलेंज मेरे को मिल चुका है। तो चैलेंज ये है कि मेरे को है जो चाय में सॉस मिला के पीनी है, तो बड़ा ही अजीब सा चैलेंज है, पर ठीक है, जो भी चैलेंज है, पहला चैलेंज है इस चैनल पे, तो वो आपको मतलब था एक गोलगप्पा चैलेंज, वो तो वैसा चैलेंज था नॉर्मली हमारे आपस में, पर ये कमेंट आया हुआ है तो थोड़ा यूनिक हो गया ना, तो फर्स्ट चैलेंज हमारा आ चुका है। तो जिसको अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा चाय में सॉस मिला के पीने का, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है वो भी देखना आप नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज 21 जून है, तो आज से जो दिन है वो कम होते जाएंगे खटखट करके। आज सबसे बड़ा दिन है, तो इसके बाद अब शाम है, वो थोड़ी जल्दी होगी। ये तो हुआ है अभी गर्म पूरा, और ये देखिए क्या मजा आता है, धुम्मा ठाने को गर्म हो रहा भाई, धुआं आ गया।
सो अभी टाइम और रात के 11:30 और जा रहा हूँ मैं खाना खाने के लिए। आज बाहर ऐसे घूमने फिरने पता नहीं लगा टाइम का, तो लेट हो गए। पर भूख भी ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत एक रोटी खा लेंगे जाके। तो बस यही था आज की वीडियो में, और कल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कल है जो वो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लिया मैंने भाई का, और वो भाई का नाम कल आपको पता लग जाएगा किसने मेरे को चैलेंज दिया था। और चैलेंज है चाय में सॉस मिक्स करके मैंने पीना है, तो चलिए करेंगे उस चैलेंज को। तो बस यही था आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।